Hey guys, welcome you all. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंट्राडे स्ट्रेटजी की, जो कि है आपकी ही रिक्वेस्ट के ऊपर। अगर आपने सुना होगा तो ओपन स्कूल टू लो एंड ओपन स्कूल टू हाई, ये काफी ज्यादा फेमस आपका सेटअप है। तो पहले का जो टाइम था, हम लोग क्या करते थे, सेटअप हम यूट्यूब पे देखते थे और डायरेक्टली उसके अंदर ट्रेड करने के लिए घुस जाते थे। तो हम उस सेटअप को यूज करते थे। उस टाइम पे हम या तो पेपर ट्रेड कर सकते थे। पेपर ट्रेड आप कितना कर लेंगे, एक महीना कर लेंगे, दो महीना कर लेंगे, तीन महीना कर लेंगे, उससे ज्यादा पेपर ट्रेड करने में काफी ज्यादा आपको मेहनत लगती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास जो भी स्ट्रेटजी है उसको हम बैकटेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ बहुत इजी होती है बैकटेस्ट करनी, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल होती है बैकटेस्ट करनी। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ओपन इक्वल टू लो एंड ओपन इक्वल टू हाई, ये काफी ज्यादा इजी स्ट्रेटजी है बैकटेस्ट करने के लिए। तो इसी स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे बैकटेस्ट करेंगे और देखेंगे इसके रिटर्न्स कैसे हैं। उसके बाद अगर आपको रिटर्न्स अच्छे लगते हैं तो आप इसके अंदर रियल ट्रेड्स कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी एक बार मैं चार्ट के ऊपर आपको समझा देता हूँ कि स्ट्रेटजी किस तरह से वर्क करती है। तो आपका मार्केट देखिए ओपन होता है 9:15 पे। अब 9:15 की जो कैंडल होती है, अगर आप ये स्ट्रेटजी लगाते हैं तो सबसे पहली कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसका ओपन इज इक्वल टू अगर लो है, जैसा कि 24 अगस्त को आपको देखने के लिए मिला है ऊपर, आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में ऊपर, तो यहाँ पे ओपन आपको दिखेगा और यहाँ पे लो दिखेगा। तो ये दोनों आपके अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट आज बुलिश हो सकता है। क्योंकि अगर ओपन इज इक्वल टू लो है तो मतलब कि मार्केट ने अपना जो लो है वो ब्रेक नहीं किया है, वो अपने लो से नीचे नहीं गया। मार्केट जहां से शुरू हुआ था डायरेक्ट वहां से ऊपर गया, तो मतलब कि उस लो के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, जो कि मार्केट को अगर ब्रेक करनी है तो उसके लिए उसको मशक्कत करनी पड़ेगी। तो इसी कंडीशन के बेस के ऊपर स्ट्रेटजी बनती है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 24 अगस्त को पहली कैंडल, तो इसका ओपन अगर आप देखेंगे 38552.7 है आपका, और लो है आपका 38552.7। तो इसके ऊपर देखिए काफी तरह की स्ट्रेटजी बनती है। पहली स्ट्रेटजी तो ये बनती है कि जैसे ही कैंडल बन के तैयार हो आप इसकी क्लोजिंग पे डायरेक्ट ट्रेड ले लें। दूसरा होता है कि ये कैंडल जब आपकी तैयार हुई तो आप एक कंफर्मेशन के लिए रुकते हैं और इसके हाई के ऊपर ट्रेड करते हैं। मतलब कि ये कैंडल आपकी बन गई तो आप ट्रेड यहां नहीं लेंगे, आप इसके हाई के क्रॉस होने का वेट करेंगे और उसके बाद इस कैंडल के ऊपर आपका ट्रेड आएगा। तो ये दो तरह से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस रहता है वो रहता है आपका कैंडल का लो, और अगर कैंडल का लो आप नहीं रखना चाहते हैं तो निफ्टी बैंक है तो 1% का स्टॉप लॉस या फिर 0.8% का स्टॉप लॉस रख के आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। जो भी आप बैकटेस्ट के अंदर देखिए आप पैरामीटर्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब वही मैंने बताया पेपर ट्रेड के अंदर अगर आप करते हैं, तो आप कितने बार पैरामीटर चेंज करेंगे, लेकिन बैकटेस्ट आपके एक क्लिक के ऊपर आपके पैरामीटर सारे चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें डिसीजन लेने में आसानी रहती है कि आपको स्ट्रेटजी को यूज करना है या नहीं। मतलब कॉन्फिडेंस आपका एक बिल्डअप हो जाता है स्ट्रेटजी के अंदर अगर उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो चलिए अब आपको पता लग गया होगा कि ओपन इज इक्वल टू हाई का मतलब क्या होता है। ओपन इज इक्वल टू लो का मतलब बिल्कुल इसका रिवर्स होगा। मतलब कि ये अगली कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये ओपन इज इक्वल टू हाई है आपका। देखिए आपका ओपन है 38767.95 और आपका हाई है 38767.95। मतलब कि दोनों इक्वल है। मतलब कि यहाँ पे हमें मार्केट बताती है कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है क्योंकि इसका हाई जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटजी बनाएंगे ओपन इज इक्वल टू लो की, ओपन इज इक्वल टू हाई की स्ट्रेटजी आप इसका रिवर्स करके बिल्कुल एकदम बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो चलिए इसके लिए मैं चलता हूं चार्ट के ऊपर। अगर आपको समझ में आ गया होगा ये तो काफी इजी रहेगा आपके लिए स्ट्रीक के ऊपर इसको समझना। चलिए स्ट्रीक के ऊपर चलते हैं और यहां पे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। यहां पे हम डालेंगे ओपन इक्वल लो, तो यहां पे स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे हम। यहां पे सिंबल ऐड करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया निफ्टी बैंक कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का इंडेक्स आपको मिलेगा यहाँ पे, और इंडेक्स के अंदर आपको यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 25 करनी पड़ती है एक लॉट के लिए। इसमें काफी लोग कंफ्यूजन होता है, देखिए मैं फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं एक लॉट रखूं, मैं यहाँ पे इंडेक्स कर रहा हूँ। तो इंडेक्स का अगर आप यहाँ पे 25 क्वांटिटी करेंगे तो जाके 25 क्वांटिटी आपकी लेगा, नहीं तो अगर आप 1 करेंगे तो सिर्फ 1 ही क्वांटिटी लेगा। मैं आपको आगे बैकटेस्ट में भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पे जो आपका ट्रेड होने वाला है वो आपका रहेगा 15 मिनट, और नॉर्मल कैंडलस्टिक्स रहेगा आपका। आप हैकिनाशी मत कीजिए, ओके। हैकिनाशी की अगर आप ऊपर करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं, हर एक कैंडल आपकी ओपन इज इक्वल टू लो रहेगी और हर एक कैंडल आपकी ओपन इज इक्वल टू हाई रहेगी। तो हैकिनाशी के ऊपर इसको मत करिएगा, ये सिर्फ कैंडलस्टिक्स नॉर्मल कैंडलस्टिक्स के ऊपर करने वाली स्ट्रेटजी रहती है। तो अब देखिए स्ट्रेटजी बनाना बहुत सिंपल है। इसके अंदर क्वांटिटी आपने लिख दी 25, मैक्स एलोकेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एक लॉट पे यहाँ पे रिजल्ट देखने हैं। एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंट्री हम क्या करेंगे, सिंपल आपको लिखना है ओपन प्राइस, यहाँ पे जो हायर देन है यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू, जो सेकंड कंडीशन है, और ये थर्ड कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे लो। तो ये जो स्ट्रेटजी आपकी बनेगी ना, ये सिर्फ फर्स्ट कैंडल के लिए नहीं है,
या आपकी कोई भी कैंडल ऐसी बनेगी ना, तो वहां से एक बुलिश ट्रेड ये देखेगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैंडल के ऊपर बनानी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। लेकिन यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो हम एक हर एक कैंडल पे देखेंगे। अगर यहाँ पे बना तो यहाँ ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ बना तो हम यहाँ पे भी एंट्री ले लेंगे, यहाँ बना तो हम यहाँ पे भी एंट्री ले लेंगे। मतलब बीच में कभी भी ऐसी कैंडल मिलती है तो हम वहां पे एंट्री लेंगे। तो उस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रेटजी बना रहे हैं। एग्जिट कंडीशन के अंदर सिंपल हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ज्यादा इसको हम कैंडल का हाई लो नहीं रखेंगे। टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे, देखिए वैसे तो बैंक निफ्टी के अंदर 3% बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ठीक है, किसी किसी दिन बैंक निफ्टी 3% भी मूव करता है तो आपको अच्छा टारगेट यहाँ पे देके जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे ट्रेलिंग भी करेंगे 1% की। अगर 1% मार्केट चलता है तो हम 1% ट्रेल कर लेंगे और 3% का टारगेट यहाँ पे रखेंगे। एंट्री बहुत सिंपल सी थी, ओपन इज इक्वल टू लो हम करेंगे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, रिव्यूज करेंगे मार्केट स्ट्रेटजी का। 15 मिनट का चार्ट है, MIS आपके पास रहेगा, इंट्राडे स्ट्रेटजी है आपकी। और आप देख सकते हैं 25 शेयर हमने बाय किए हैं, ओपन इक्वल टू लो पे करंट कैंडल देखेगा, मतलब हर एक कैंडल देखेगा ये। और एग्जिट हम करेंगे स्टॉप लॉस ऑफ 1%, 3% का टारगेट, ट्रेलिंग सेल ऑफ 1%। 15 मिनट का चार्ट रहेगा, 7 बैकटेस्ट करके देखते हैं क्या रिटर्न हमें मिलते हैं पिछले 3 महीनों में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको लगभग 25,800 का प्रॉफिट मिला है इसके अंदर पिछले 3 महीनों में। अगर आप बैकटेस्ट पीरियड देखेंगे इसका, तो ये 31 मई से लेके आपका 28 अगस्त तक है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, 31 मई से 28 अगस्त तक का है। तो मई जून जुलाई, मतलब 31 मई तो पूरा ही होगा, तो जून जुलाई अगस्त पूरे 3 महीने का बैकटेस्ट है आपका। 17 बार आप इसके अंदर विन मिला है आपको, 10 बार आपको इसके अंदर लूजिंग मिली है। विनिंग स्ट्रीक 7 है, लूजिंग स्ट्रीक 7 है, 27 टोटल सिग्नल आपके पास आए हैं। तो एक्यूरेसी आपकी 50% से अबव की है। और अगर इसकी डिटेल्स में आपको दिखाऊं, ब्रोकरेज देखिए, अगर मैं इसके अंदर ऑन करूंगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स के ऊपर बैकटेस्ट है, इंडेक्स के ऊपर आपका ये काम नहीं करता है ब्रोकरेज। तो हम नीचे चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने क्वांटिटी आपको दिखानी थी। इसमें क्वांटिटी देखिए 25 है आपकी। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो मैं आपको एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ। काफी लोगों का कंफ्यूजन था, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे याद है, काफी लोगों ने कहा सर आप 25 लॉट से कर रहे हो, ये 25 लॉट से नहीं होता, ये असल में 25 क्वांटिटी है। अगर आप देखेंगे 3 5 7 7 8 माइनस 3 5 4 2 1 इक्वल टू करेंगे, देखिए अगर एक क्वांटिटी करता है 357 का आपको इसके अंदर लॉस आता। अब यहाँ पे 25 क्वांटिटी है तो आपको लगभग 8925, यहाँ पे आप देखेंगे तो 8945, क्योंकि मैंने पॉइंट्स आगे नहीं लिए हैं, तो आपको लगभग इसके बराबर का रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ जो 25 क्वांटिटी मैंने की है पुरानी वीडियोज के अंदर भी, वो भी आपकी क्वांटिटी है, वो लॉट नहीं है 25, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप दोबारा मेरी कोई वीडियो देखते हैं आगे तो उसके अंदर भी आपको 25 क्वांटिटी मिलेगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम इसके अंदर चार्ट पे एक बार लेटेस्ट चलते हैं और चार्ट पे एक बार ट्रेड्स मैच कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो 24 अगस्त जैसे मैंने बताया, 24 अगस्त को मैंने बताई दिया आपको कि 9:15 पे ट्रेड आया, 15:15 पे आपने एग्जिट कर दिया। और एक बार ट्रेड आ गया तो जब तक उसका कैंसिल नहीं होगा दूसरी री एंट्री आपकी नहीं होगी। तो 3 महीने में आपके ट्रेड्स भी देखिए कितने हैं, सिर्फ 70 ट्रेड आया तो ब्रोकर तो कुछ ज्यादा नहीं लगेगा आपका। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 23 तारीख को भी 9:15 पे ट्रेड आया है। 23 तारीख को देख लेते हैं एक बार, इसके पिछला दिन ही है। ओके, ये देखिए 23 तारीख को 9:15 पे ट्रेड आया है। इसका क्लोजिंग प्राइस क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे आपका ट्रेड होगा, मतलब कि 38249.9 पे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो ट्रेड है वो हुआ है 38249.9 पे, जो प्राइस है उसी पे आपका ट्रेड यहाँ पे हुआ है। तो अब देखते हैं हम अगला, जो कि है आपका 22 तारीख, जिसमें कि 2 बजे आपको सिग्नल मिला। देखिए मतलब कि पहले दिन नहीं मिला, पहला कैंडल पे नहीं मिला, तो हमें बीच में भी कैंडल मिल रहा, सिग्नल मिल रहा है जो कि है 2 बजे। तो 22 को चलते हैं हम, सॉरी 22, और यहाँ पे हम 2 बजे देखेंगे। 2 बजे मतलब कि 1 2 यहाँ पे देखेंगे आप, तो ओपन इज इक्वल टू लो बना है और यहाँ पे आपका जो SL है वो नहीं हिट हुआ है। क्या हुआ है आपका, देखें 22 तारीख को टारगेट ही असल में स्क्वायर ऑफ हुआ है, ना SL हुआ है ना टारगेट हुआ है आपका। 195 रुपीज का आपको लगभग प्रॉफिट हुआ है, 185 रुपीज का लगभग आपको प्रॉफिट इसमें हुआ है। तो क्योंकि 2 बजे थे आपके, तो उस टाइम पे अगर मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव ले लेता तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता। तो ये तो देखिए बात हो गई आपके इंट्राडे की। अगर मैं इसे CNC में कर दूं, क्योंकि करने में तो कुछ नहीं जा रहा, चेक कर लेते हैं एक बार क्या रिटर्न आते हैं हमारे पास। अगर हमारे पास इसको CNC में हम देखें करके, और 15 मिनट की जगह यहाँ पे चलिए 15 मिनट ही रखते हैं, उसके बाद हम एक बार 1 RB करके देख लेंगे। यहाँ पे जो भी चेंजमेंट होते हैं हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो CNC में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास आपको रिटर्न्स देखने के लिए नहीं मिले हैं, सिर्फ 3300 मिले हैं 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। तो MIS ही बेटर है। अगर 1 आवर कर दूं मैं इसके ऊपर तो, और रन बैक टेस्ट करूं तो ये 1 साल का बैक टेस्ट आपको दिखाएगा लगभग
और एक साल के अंदर आपके लगभग 58,000 का आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। हालांकि 2 लाख का कैपिटल आपको लगता है लगभग, और लगभग 58,000 आपको प्रॉफिट मिला है। ट्रेड सिग्नल आपके पास 30 आए हैं और आपके पास लगभग 17 विन है और 12 लूजेस है। तो इस तरह से आप देखिए विद इन अ सेकंड से यहाँ पे सिर्फ चेंज करके MIS CNC यहाँ पे टाइम इंटरवल चेंज करके आप इजिली यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजी के अंदर रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ पहली कैंडल देखनी है हमें, काफी पॉपुलर स्ट्रेटजी ये भी है, ये तो मैंने बनाई कि आप हरे कैंडल देख रहे हैं, यहां पे हम देखेंगे सिर्फ पहली कैंडल, मतलब कि हम एक इसको एडिट करते हैं पहले, और यहां पे हम एंट्री में लिखेंगे ये आपका 1 मिनट, ओके स्टार्ट टाइम आपका और एंड टाइम। तो इसके अंदर आप देखिए स्टार्ट टाइम तो हमारा ठीक है, लेकिन एंड टाइम जो हम करेंगे 9:35 कर देता हूं, ओके और इसको हम नेक्स्ट करके 7 बैक करते हैं, ओके। तो ये आ गया आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैंडल का रिटर्न, जिसमें कि आपको 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ 6 सिग्नल मिले हैं, 5 इसमें से विन है, 1 आपका लूज है, और 39,000 का आपको प्रॉफिट है, मतलब ब्रोकरेज तो इसमें कुछ भी नहीं कटाए। एक बार चार्ट के ऊपर चेक कर लेते हैं इसके रिटर्न्स, मतलब कि इसके ट्रेड्स किस तरह के आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम ट्रेड आपके सारे ट्रेड आपके 9:15 पे होंगे। देखिए 9:15, ये आपका 9:15, ये आपका 9:15, ये भी आपका 9:15, उसके बाद फिर से 9:15 और फिर से 9:15। वो असल मैंने 9:30 किया, तो 9:30 पे ही ट्रेड आता है, उसे आप 9:31 भी कर देंगे तब भी चलेगा, मैंने 9:35 किया है। तो यहाँ पे आपको सारे ट्रेड्स देखो, 24 और 23 का तो हमने चेक किया ही था, एक बार 19 तारीख का देख लेते हैं कि हमें क्या इस तरह की कैंडल देखने के लिए मिली है 19 अगस्त को, तो 18 तारीख हो गई और ये 19 तारीख, 19 जुलाई है, सॉरी नॉट अगस्त, इट्स जुलाई। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं और ये आ गई आपकी 19 जुलाई, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल आपकी ओपन इक्वल टू लो बनी है और यहां से एक बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिला है। काफी अच्छे रिटर्न्स आपको इस स्ट्रेटजी ने दिए हैं। देखिए 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 6 सिग्नल आए हैं और लगभग 40,000 का आपको प्रॉफिट है सिर्फ पहली कैंडल पे, अगर आप ट्रेड करते हैं। इसी को आप ऑप्शंस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसको मैं ऑप्शंस के ऊपर आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा क्या रिटर्न्स हैं, वहां पे भी इसको एक बार देखेंगे। तो ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि हमारी लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है और जो ऑप्शन बाइंग की सिनेरियोस होते हैं, कि ये ट्रेंडिंग होता है मार्केट इन दिनों में, तो ऑप्शन बाइंग अगर आप करेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स आई थिंक की देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले इस स्ट्रेटजी को आप कम से कम 3 साल का बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ रिजल्ट अच्छे हैं, उसके बाद जाके आप इसके अंदर ऑप्शन के अंदर या फिर फ्यूचर्स के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे करेंगे वाइंड अप और मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।